अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास एक डिवाइस आई है, जोंग की MF710। ये वो डिवाइस है जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने, जो उनकी लैपटॉप स्कीम थी स्टूडेंट्स के लिए, उनके साथ उन्होंने ये डिवाइस दी थी। तो आज हम उसको अनलॉक करने का तरीका सीखेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी फाइल को ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप के ऊपर मेरी फाइल पड़ी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो उसमें आपने ये जो फ्लैश टूल है, सबसे पहले आपने इस फाइल को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ ये जो फ्लैश टूल है, इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है और यस कर देना है और ओके कर देना है। तो ये आपका टूल ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका टूल ओपन, उसके बाद आपने ये स्कैटर फाइल है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने इस फाइल को सिलेक्ट करना है, इस नीचे वाले फोल्डर में जाना है और इसके बाद इस ये जो MT-82 डोंगल है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके और इसको ओपन कर देना है। तो ये फाइल आपकी इसके अंदर सिलेक्ट होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो NVRM लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ हमने देखना है काश्यप भरवाना अनलॉक डॉट बिन, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है और इसको ओपन कर देना है। तो ये फाइल इसके अंदर हमारी ऐड हो गई है। इसके बाद सिंपल हमने क्या करना है कि डिवाइस को अपने पीसी के साथ लगा देना है। तो ये मैं अपने डिवाइस को पीसी के साथ लगा रहा हूँ। जैसे ही पहली बीप की आवाज़ आएगी, जैसे जो भी पहली आवाज़ आए, उसके बाद आपने ये डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखें जी, डाउनलोड को मैंने क्लिक कर दी पहली आवाज के साथ ही। तो अभी हमारी ये जो फ्लैशिंग है ना, थोड़ी देर में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर फ्लैशिंग स्टार्ट ना हो, अगर इसका वेब पेज ओपन हो जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये देखें इसका वेब पेज ओपन हो गया है। तो इसमें परेशान होने वाली की बात कोई नहीं है। आपने जस्ट इतना करना है कि ये जो है ना, जो फाइल, इसके अंदर आपने चेक करना है USB स्विच टूल। जैसे ये USB स्विच टूल है, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक कर देना है। तो ये आपकी डिवाइस ऑटो ही, ये देखें फ्लैश होना शुरू हो जाएगी। ये मेरे पास Windows 10 है, Windows 10 या Windows 7 जो भी हो, सबके ऊपर ये फाइल रन हो जाती है। ये देखिए इसकी फ्लैशिंग शुरू हो गई और अनलॉकिंग भी शुरू हो गई है। बस थोड़ी देर आपने वेट करना है, आपकी डिवाइस मुकम्मल जो है अनलॉक हो जाएगी। अगर किसी दोस्त को इसकी समझ ना आए, तो वो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकता है, कॉल भी कर सकता है। तो बहुत ही आसान सा इसका फार्मूला है, बहुत ही आसान सा इसकी अनलॉकिंग है। बस आपका ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, MediaTek का ड्राइवर आपके इंस्टॉल होने चाहिए और कुछ भी नहीं है। सिंपल यही है जो मैंने आपको मेथड बता दिया है। तो अभी आपने वेट करना है, जैसे ही 100% के ऊपर कंप्लीट हो जाएगी, ये ओके का निशान आ जाएगा। तो हमारी डिवाइस ये देखिए, ये ओके का निशान आ गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको बंद कर देना है और इसको भी मुकम्मल बंद कर देना है। तो अभी देखें, ये आपकी डिवाइस वेब पेज इसका ओपन नहीं हो, क्योंकि मेरे पास Windows 10 है। Windows 10 में इसको नॉर्मल हालत में लाने के लिए इसका आसान सा फॉर्म, Windows 7 और दूसरी विंडो में तो ये खुद ब खुद ही इसका जो है ना, वेब पेज ओपन हो जाता है। लेकिन Windows 10 में इसको करने के लिए, इसका वेब पेज ओपन करने के लिए, नॉर्मल हालत में लाने के लिए, ये इसकी पोर्ट खत्म करने के लिए क्या करना है कि आपने टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने इसमें USB लिखना है। USB, जैसे ये देखें USB स्विच टूल आ गया, इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको एंड टास्क कर देना है। जैसे ही आप इसको एंड टास्क करेंगे, तो ये आपके जो है इसके नॉर्मल मोड में आ जाएगी। इसके बाद आपने डिवाइस को उतार लेना है, उतारने के बाद दोबारा आपने इसको प्लग इन कर देना है। इसका वेब पेज ओपन हो जाएगा और आपकी डिवाइस भी मुकम्मल तौर पर अनलॉक हो चुकी है। तो अभी इसका वेब पेज ओपन हो जाता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए इसका वेब पेज ऑटो ओपन हो रहा है। ये देखें जी, अभी इसके अंदर सिम नहीं थी, तो डिवाइस हमारी मुकम्मल तौर पर अनलॉक हो चुकी है। तो अगर किसी दोस्त को समझ ना आए, तो वो मुझसे राबता कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।